अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे नागार्जुन की दो कविता के बारे में। तो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलोराज, कलोराज कविता में नागार्जुन ने ग्रीष्म के घोर तपन भरे परिवेश के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में कृषकों के चेहरे उदास थे, तो वर्षा ऋतु के आगमन से उनमें सरसता आ गई तथा प्रकृति में नयापन उभरने लगा। तो चलिए गाइस कविता देखते हैं। कलोराज, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें, हताश खेतीहर अभी कल तक धूल में नहाते थे, गोरियों के झुंड अभी कल तक पथराई हुई थी, धनहर खेतों की माटी अभी कल तक धरती की कोक में। डूबके पड़े थे मेंढक, उदास और बदरंग था आसमान, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों के सहनाई एविराम, और आज जोरों के कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी सिराइयों के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लव लश्कर। गाइज, अब हम बात करेंगे दूसरी कविता उषा की लाली के बारे में। गाइज, उषा की लाली कविता में कवि ने उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा का वर्णन करते हुए नागार्जुन को प्रकृति प्रेम का सहज परिचय दिया है। सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा को देखकर कवि का मन अभिभूत हो जाता है। इस लघु कविता में प्रकृति चित्रण की भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। चलो गाइस, तो दूसरी कविता देखते हैं। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बड़ा शिशु रवि, बदली छवि बदली छवि, देखता रह गया एपलक कवि, डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर जाए न बिखर। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। तो गाइज, अगर आपको ये दोनों कविताएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।